तो अपन ने स्टार्ट करे वाला था हमारे 10th स्टैंडर्ड का जो पार्ट फर्स्ट से 9वां चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स को। और कल के लेक्चर में इसका ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, उसमें अपन ने क्या देखे थे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और आयोनिक कंपाउंड्स क्या है और इसके साथ बॉन्ड कौन से है कार्बन कंपाउंड में और कार्बन का वर्सटाइल नेचर, जिसमें अपन ने 4 पॉइंट देखे थे। ठीक है, आज अपने कुछ के आगे का देखने का है और कल के उसमें कुछ डाउट रहा तो मैं तुमको बोला था कमेंट में करो और कमेंट में सजेशन भी दे जाओ, बातचीत करो, रब्ता करो कमेंट में से। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। आज अपने को देखने का है वो है हाइड्रोकार्बन्स। अब कार्बन कंपाउंड्स जो है इसमें दूसरे भी एलिमेंट है बहुत सारे, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, दूसरे और साथ में है हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन कम ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, पर ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने वाले हैं, किससे, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इनसे बने वाले हैं, उसको क्या बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। नाम इस दिया वाला है, ज़्यादा तो बात कुछ भी नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। अब इसका एक एग्जांपल सबसे बेस्ट जो अपन बहुत छोटी क्लास से पढ़ते रहे हैं वो है मीथेन। मीथेन CH4। अब ये CH4 में अपने को मालूम ये CH4 कैसा बना, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के कंबाइन होने से C, बॉन्ड H। अब इसका एक बड़ा भी है इथिन, मीथेन और इथिन। इथेन का मॉलिकुलर फार्मूला है C2H6। अब जिसको मालूम नहीं मॉलिकुलर फार्मूला क्या है उनके वास्ते 2 मिनट बोलता, 2 सेकंड। मॉलिकुलर फार्मूला यानी ऐसा फार्मूला जिसमें कौन से एलिमेंट है ये बताया वाला है और कितने एलिमेंट के आइटम है वो बताया वाला है, उसको बोलेंगे मॉलिकुलर फार्मूला। इसमें क्या क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कितने 2 और हाइड्रोजन कितने 6। अब ये लिखने का सबसे बेस्ट स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो क्या लिख देने का, दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देने का। ठीक है, ये हो गया अटैच। और स्टेप सेकंड में क्या करने का, ये जो कार्बन है अपने को मालूम कार्बन कैसा है, टेट्रावेलेंट है, एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी एक एक वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। अब ये 6 कार्बन यूज करके इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने का, ये हो गया 4 और ये 2 6, ये हो गई इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई। ये है इथीन, मीथेन का बड़ा भी है। ठीक है, ये इथीन। अब इसके अलावा एक और है प्रोपेन। ठीक है, इथीन के बाद कौन है, प्रोपेन। इसके अलावा ब्यूटेन भी है, राइट। और इसके बारे में डिटेल देखने का, तो इसमें 2 है, इसमें 1 था, इसमें 2 कार्बन है, 3 कार्बन वाला है प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। अब ये इसका एक्सपांड स्ट्रक्चर है, मैं इसको कैसा कंडेंस करके लिख रहा, नीचे जगह नहीं होगी, ये जैसे इसका एक्सपांड लिख रहा, ये होगा एक। अब हाइड्रोकार्बन्स में एक और है, 2 कार्बन जिसमें है, एक और कंपाउंड है इथीन, ये ENE है और ये ANE वाला, इसमें भी क्या है तो 2 कार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोजन 4 है, किसका फर्क है तो हाइड्रोजन का फर्क है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्या है तो सबसे पहला स्टेप क्या है तो दोनों कार्बन को सिंगल उससे अटैच कर देने का, दूसरा स्टेप क्या है इनके वैलेंस सेटिस्फाई करने का, ये हाइड्रोजन यूज करेंगे। ठीक है, ये कर लिया अपन ने, H H H H, चारों भी हाइड्रोजन क्या हो गए, खत्म हो गए। मगर इनको अगर तुम देखी सर, इसमें इसकी वैलेंस सेटिस्फाई हुई थी, इसमें वैलेंस सेटिस्फाई हुई क्या, नहीं हुई, दोनों की एक एक वैलेंस सेटिस्फाई होना बाकी है, दोनों की एक एक वैलेंस अभी भी रुके वाली है, इसके हिसाब से इसकी 3 वैलेंस अटैच हुई। तो तीसरे स्टेप में क्या करने का, इसकी वैलेंस सेटिस्फाई करने के वास्ते इसमें डाल देने का डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में क्या डाल देने का, डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें दूसरा और एक एग्जांपल है प्रोपेन, ENE वाला है, ये ANE वाला है या ENE वाला है। ठीक है, अब और 2 कार्बन वाला एक और एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें 2 कार्बन है। ठीक है, इथाइन C2H2, इसमें भी सेम स्टेप, पहले तो कार्बन लिख लो फिर सिंगल बॉन्ड से अटैच कर लो, सेकंड स्टेप में इसके वैलेंसी जो है तो सेटिस्फाई करने का, 2 हाइड्रोजन लगाओ, इसको एक
इसको एक, और अगर तुम इसमें वैलेंसी देखेंगे तो वैलेंसी इनके सेटिस्फाई हुए वाले हैं क्या नहीं, कार्बन टेट्रा वैलेंट है, ये जो है इसके दो दो वैलेंसी सेटिस्फाई हुए वाले हैं, दो दो अभिभावी। तो तीसरे स्टेप में क्या करने का, इनके बीच में डाल देने का ट्रिपल बॉन्ड, तो इनके हो गए वैलेंसी सेटिस्फाई। आइए बात समझ में, ये है इथाइन, इसका स्ट्रक्चर इथाइन, और इसका एक और एग्जाम्पल है प्रोपाइन, वाई एन ई, इसमें ए एन ई, ई एन ई, वाई एन ई। इसमें कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है अपने को मालूम, ये शेयरिंग से जो बने वाला है अपने कल भी देखे थे, क्या है कोवैलेंट बॉन्ड, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने वाला कोवैलेंट बॉन्ड। ये वाला है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, राइट, ये वाला है डबल, राइट, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और ये है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है इसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन से हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये वाले कौन से हो गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये होगा सैचुरेटेड, ठीक है, और ये जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये दोनों हो गए अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, याद रखना। इसके एग्जांपल में याद रखो इथीन, इथीन, ई एन ई वाला है, प्रो और प्रोपाइन याद रखना, इथाइन याद रखो, ऐसे याद रखने का। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एक लकीर है ए एन ई, ये वाला ई एन ई, डबल रहा ई एन ई, ट्रिपल रहा वाई एन ई, शॉर्ट में याद रखना ए एन ई, ई एन ई, वाई एन ई, ठीक है। ये होगा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। और ये जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वाले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनको अपन एक और नाम से बुलाते हैं, वो है अल्केन, ठीक है, अल्केन्स, अल्केन, ठीक है। और ये जो डबल वाले हैं इनको दूसरा नाम है अल्कीन, ई एन ई, ठीक है। और ये वाले हैं अल्काइन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, याद रखना। अल्केन जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन और अल्काइन ये वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तुमको एक का बता था, बाकी जो दो है वो तुमको उससे करने का, ठीक है। ये बीच वाले का देख लीजिए ना कैसा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये नोट करिएगा तुम लोगों ने। इलेक्ट्रॉन डॉट, दो कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन बना दिए, पहले ऑर्बिट में दो है, ठीक है। तुमको इसका होमवर्क भी था, वो तुमने करे होंगे, ये देखो दो है पहले में, दूसरे में अपने को मालूम चार, तो ये दो दो डबल बॉन्ड है बीच में, इसका मतलब शेयरिंग में चार इलेक्ट्रॉन, इसके दो, इसके दो, यहाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। अभी हाइड्रोजन अपन ने बताया क्या नहीं बताया, मैं हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है इसका क्रॉस से बनता है, ठीक है, अगर तुमको आसानी से समझ में आएगा। C2H4 ये होगा इथीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इथाइन का अल्केन में किसी का बनाने का है, तो ये प्रैक्टिस करो, एग्जाम में ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो ना पूछता नहीं, अभी तक के उसमें तो पूछने वाला नहीं है। मानिए जो हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर अपन देखेंगे स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन क्या है, ठीक है, नोट कर लो। अब भी जो देखिए वो होगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अनसैचुरेटेड यानी जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं केमिकल रिएक्शन में, ये जो तो ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड। क्यों, तो ये मान डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना आसान है केमिकल रिएक्शन में सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। अब अपने को देखने का कि कार्बन जो तो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन कार्बन के कैसे बनते हैं। अभी अपने जो देखिए इथीन, ठीक है, इथेन, इथेन लेंगे अपन, ये जो इथेन है इसका स्ट्रक्चर कैसा था, सी इधर एच, इधर एच, इधर ओ एच, इधर एच, इधर एच, तो ये जो सी सी है ये एक प्लेन में था और ये जो बाकी है ये सब पेरीफेरी में थे, ठीक है। ये हुआ इथेन का स्ट्रक्चर, लेकिन
जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्टेटाइज होते अपन ने बोले वाला है कि कार्बन के पास कैटिनेशन पावर है कि अपने दूसरे कार्बन के साथ कैसे बनाता स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता, तो जब ये लंबे लंबे चेन बनते जाएंगे जैसा ये हो गया, फिर ये था मीथेन CH4, ये हो गया C2H6, मतलब कैसा था ये CH3 CH3। एक और याद रखो, मीथेन में से एक एच अगर माइनस होगा तो ये बनता CH3 विथ फ्री वैलेंसी। ये जो सिंगल लाइन है छोड़े हुए डैश, इसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी, ठीक है। और ये ग्रुप का नाम है मिथाइल, क्या है मिथाइल, YL शील्ड लगाए YL, ये होगा। अब इसको एक और मिथाइल ग्रुप अगर अटैच करें अपन, ये एच हटा के, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH2, ये एच उड़ा के अपन क्या लगा रहे CH3। ये अब इसमें से एक छुड़ा क्या बना सकते CH3 CH2, यहाँ से एक एच उड़ा देने का CH2 और क्या लगाने का CH3 मिथाइल ग्रुप, ये का फिर और कंटिन्यू बढ़ाते जाओ चेन CH3 CH2 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 और ये CH3 दिख रहा है। इसमें तीन थे, इसमें चार, इसमें पाँच, अब इसके आ गया और CH3 CH2 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 CH3, ये होगा छः वाला, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस चेन बनते जा रही कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होने से। तो ये जो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में है तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, कैसे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट क्या है वो भी समझेंगे आप, उतना कन्फ्यूज हो, ये क्या बना रहे, ये क्या बता रहे, ठीक है, वो भी देखेंगे अपन। ये होगा स्ट्रेट चेन। अब इसका जो नाम है ये तो मानो मीथेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा पहचान का है अपने मीथेन। ये होगा इथेन, इसका नाम है प्रोपेन, प्रोपेन साथ साथ लिखते चलो। ये चार कार्बन वाला है ब्यूटेन, पांच वाला है पेंटेन, ये वाला है हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। बुक में इसके आगे भी अलग भी दिया है, सात वाला हेप्टेन, आठ वाला ऑक्टेन, नौ वाला नोनेन, दस वाला डीकेन। तो ये दस जो नाम है ये दहन में अपने बैठ जाना, ठीक है, याद हो जाना अपने ये दस के दस नाम, क्योंकि तो अपन नानी इनके नामा कैसे देते वो देखने वाले हैं नॉमनक्लेचर, तो उसमें अपने ये वापस चले गए। अभी नामा आए कहाँ से, तो जो शुरू के नामा है, ठीक है, वो नामा सोर्स से लिए वाले, और बाकी के कितने कार्बन आइटम उसमें प्रेजेंट है उसके हिसाब से लिया है नॉमनक्लेचर में, अपन इसको डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है, ये नोट कर लिएगा तुमने। अब ये हो गया स्ट्रेट चेन वाले जो सीधे सीधे है, ठीक है। अब ब्रांच चेन जैसा ये ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन को उठाएंगे अपन, ठीक है। तो ये ब्यूटेन में एक स्ट्रक्चर ऐसा बना, ये ब्यूटेन में अगर ये CH3 निकाल दिए, यहाँ का H नहीं हटाए समझो अपन ने, प्रोपेन से H हटा के बना देना, ये इसको डाल दिए अपन ने ब्रांच में, ठीक है, इसको कहाँ डाल दिए ब्रांच में। इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं तो 10 है, कार्बन कितने हैं तो 4, गिनो 3 और 3 6 6 और 4 10, ठीक है, ये 10 ये 4, इसमें भी कार्बन कितने हैं तो 4 है, हाइड्रोजन कितने 3 3 3 9 और 1 10, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 10। दोनों का जो मॉलिकुलर फार्मूला है सेम है, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, ये वाले हो गए स्ट्रेट चेन वाले। और ये कैसा होगा, इसमें एक क्या होगी CH3 की ब्रांच। अब तुम बोलेंगे ये हाइड्रोजन भी तो ब्रांच में है सर, ये ऐसा लिखे वाला है, ये ऐसे है, ये भी तो ब्रांच में है ना, ये हाइड्रोजन भी तो ब्रांच में लिख रहे हैं ना, ये अपन लिख रहे हैं इसको ब्रांच में, मगर ये अपन इसको पूरा एक मॉलिक्यूल पकड़ के, ये CH3 को अपन पूरा एक क्या पकड़ के मॉलिक्यूल पकड़ के, ठीक है। और जब तुम इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक प्लेन में रहने वाला है, ठीक है, एक कार्बन रहेगा, उसके अतराफ पेरीफेरी में क्या रहेंगे ये तीन हाइड्रोजन एटम रहेंगे। जैसे इसको मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो वो ब्रांच में चल जाता, प्लेन के बाहर चल जाता, ठीक है। तो ये वाले हो गए ब्रांच वाले, ठीक है, इसका नाम है ब्यूटेन और इसको कॉमन नेम है एन ब्यूटेन। अब ये नाम देने का क्या सपना पड़ेगा क्या सर, नहीं सपना नहीं पड़ेगा, इसका नाम कैसा देने का अपन नॉमेनक्लेचर में डिटेल में डिस्कस करने वाले, अभी सिर्फ याद रहने दो। इसका नाम क्या है एन ब्यूटेन और इसका नाम है आइसो ब्यूटेन, दोनों अलग अलग, दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला कैसा है सेम है और स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है अलग अलग है। इसकी वजह से होता क्या, तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है। क्यों अलग अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन लेंगे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, कैसे अलग अलग होते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ।
तुम बोलो ये वाले आसानी से पैक होंगे एक जगह या ये वाले आसानी से पैक होंगे। अच्छे से कौन से पैक हो सक रहे गजरेश इसमें, आसान बात है सर, दिखना नहीं क्या इतना ही समझ में आ रहा था, ये जो है ये आसानी से गजगज पैक होने वाले, ठीक है। तो बस ये वाले है एन ब्यूटेन ये, और ये वाला जो है ब्रांच निकल गई आईएसओ ब्यूटेन, गजगज ये पैक होने वाले है। इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट है इनका ज्यादा रहने वाला है एज कम्पेयर टू दिस, ये जो ब्रांच वाले है आईएसओ, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा और इसका ज्यादा रहेगा कम, क्योंकि गजगज पैक होने वाले हैं क्या नहीं होने वाले, ठीक है। इसके वजह से इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अब इनका जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है अलग है डिफरेंट है, ठीक है। तो स्पेशली क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों वैसे है आइसोमर से ही चौधर, आइसोमर से दोनों की, ऐसा याद रखो मॉलिकुलर फार्मूला सेम है स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है, तो वो एक दूसरे की क्या हुआ है आइसोमर हुए। मैं तुम लोगों को वर्सटाइल नेचर में बताया भी था इसका एग्जाम्पल, ठीक है। फोर्थ पॉइंट था आइसोमेरिज्म, रिपीट आया हुआ क्या, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, मॉलिकुलर फार्मूला दोनों कैसा है सेम है C4H10, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है इनका डिफरेंट है, तो इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और ये जो पूरा फिनोमेना है इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म, क्या बोलेंगे आइसोमेरिज्म, ये नोट करके लो। इसके बाद अपन देखेंगे ये रिंग्स क्या है और साइक्लो अल्केन्स क्या है, ठीक है, ये नोट कर लेना। अब हाइड्रोकार्बन्स जो है ये नेचर में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेजेंट है, ठीक है, जैसा पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया, इन सब में क्या प्रेजेंट है, क्रूड ऑयल जो मिलता अपने को इनमें क्या प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल डीजल गैसोलीन सीएनजी, ठीक है, सीएनजी नेचुरल गैस जो है ना, नेचुरल गैस में सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस एलएनजी, है ना, गलत नहीं लिखा, एलपीजी दूसरा वाला है, एलपीजी अलग है, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो इन सब में, और ये फिर एलपीजी वाला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इन सब में क्या प्रेजेंट है पेट्रोल डीजल गैसोलीन में हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है, ठीक है हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स को अपन ने जो डिवाइड करने वाला है बेसिकली दो टाइप में, एक तो एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक बोलो उसको, राइट, जिसमें रिंग क्लोज स्ट्रक्चर है क्या नहीं, और दूसरा है साइक्लिक, नाम पे से दिखता साइक्लिक है जिसमें रिंग्स वगैरह बनने वाली, और एलिसाइक्लिक जिसमें रिंग्स वगैरह नहीं है। एलिसाइक्लिक में अभी जो अपन ने अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में अल्केन अल्कीन और अल्काइन पढ़े, ये तीनों एलिसाइक्लिक में नहीं, क्योंकि तीनों में भी साइक्लिक स्ट्रक्चर देखे कि अपन ने कहीं नहीं देखी, इसमें ब्रांच वाले अनब्रांच वाले जैसे स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन अभी जो दो देखे वो दोनों भी इसमें आएंगे, ठीक है, ये होगा एलिसाइक्लिक, ठीक है, असाइक्लिक सॉरी असाइक्लिक और एलिफेटिक। अब साइक्लिक में दो है, साइक्लिक में भी कैसे दो है, एक है एलिसाइक्लिक, ये असाइक्लिक और एलिसाइक्लिक में कन्फ्यूज नहीं होगा, ठीक है। एलिसाइक्लिक में साइक्लोअल्किन्स और साइक्लोअल्किन और साइक्लोअल्काइन आते हैं। अब ये क्या है तो मैं तुमको बताता, अपन ने देखिए हाइड्रोजन ये मीथेन इथेन प्रोपेन, राइट, तो इसमें छठे नंबर पे था हेक्सेन, राइट, हेक्सेन के पास कितने छह कार्बन, ठीक है, अपन ने उसका स्ट्रेट चेन वाला अभी नीचे देखे, ठीक है, उसका एक और स्ट्रक्चर है साइकिल वाला रिंग वाला, ठीक है, रिंग इसमें छह कार्बन एटम ऐसे अटैच है, ठीक है। तुम बोलो इनके बैलेंस सेटिस्फाई है क्या, नहीं, सबके दो दो बैलेंस सेटिस्फाई वाले दो दो अब भी बाकी, तो ये दो दो अटैच कर लेंगे, ठीक है, सबको बांट दो दो, थोड़ा उधर तो ये हो गया सबको दो दो, तो ये साइक्लोहेक्सेन हुआ, ये वाला कौन सा होगा साइक्लोहेक्सेन, ये नाम क्या हुआ साइक्लो, साइक्लो क्यों, तो इसकी पूरी क्या बन गई रिंग बन गई, पहले देखिए वो कौन सी थी स्ट्रेट थी जो सिर्फ हेक्सेन था, अब इसकी जो रिंग बन गई क्या हुई साइक्लोहेक्सेन, अब इसमें अगर एक जगह डबल बॉन्ड आ गया तो ये साइक्लो अल्किन, कोई वाला कौन सा एग्जांपल है, अभी किसका एग्जांपल होगा साइक्लो अल्किन का, इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो साइक्लो अल्किन का, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो साइक्लो अल्काइन का, ठीक है, ये याद रहने दो साइक्लोहेक्सेन, ये आ गए एलिसाइक्लिक में, और साइक्लिक में एक और है एरोमेटिक, एरोमेटिक
हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है, तो जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग क्या है, तो हेक्सेन जैसा है, हेक्सेन रिंग के जैसा हेक्सागोन रिंग बना देगा, और हेक्सागोन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट यहाँ है फिर नहीं है फिर है फिर है फिर नहीं है फिर है, ऐसा अल्टरनेट डबल बॉन्ड जिसमें कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6, इसका नाम है बेंजीन। क्या है, बेंजीन। अब इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोलते, तो इसमें एरोमा प्लीजेंट स्मेल आती है, एरोमा आता है, इसे नाम क्या दिया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग को याद है, बेंजीन रिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये होगा। अब स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन के और एग्जांपल बुक में भी दिए वाले, जैसे साइक्लोहेक्सेन मैंने तुमको अभी बताया, आइसोब्यूटेन अभी जो देख रहे हैं, इसके मैं वैलेंस ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अरे बच्चों ध्यान दो, तो पता चला कार्बन कार्बन लिख के सब सत्यानाश, ये इसके मैं कर रहा क्या बैलेंस सेटिस्फाई नहीं, ये हो गया आइसो वाला, फिर डायरेक्ट ब्यूटेन वाला हो, ये डायरेक्ट एन ब्यूटेन हो गया, फिर आइसोब्यूटिलीन है डबल बॉन्ड वाला, हेक्सीन है, ठीक है, हेक्सीन साइक्लोहेक्सीन जैसा, इसमें ये चीज स्ट्रक्चर में अगर ये एक एक एच उड़ा दिया अपन ने, राइट, और डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये किसका एग्जांपल बन जाता, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लो यादा रिंग है बोलते, ठीक है, 6 कार्बन है, हेक्सीन ई एन ई, क्यों, क्योंकि अपन ने डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, पहला वाला नोट करे थे, ये वाला भी नोट कर दो, बुक में ऐसे बहुत सारे है, तुम उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, नॉमेनक्लेचर में बनाऊंगे नाम लेंगे, ठीक है, आइसोब्यूटिलीन, एम्ब्यूटिलीन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, फिर साइक्लो में एयरिंग वगैरह, ये सब ब्रांच के स्टडी करो, ठीक है, बुक में अब सब मैं स्ट्रक्चर बना नहीं सकता, जितने समझने के लिए काफ़ी थे उतने बना दिया मैं, ये चार्ट और ये नोट करो, ठीक है। ये हो गए स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन, बुक में इसके और भी एग्जाम्पल दिए वाले, जैसे अपन ने देखे वाला प्रोपेन डबल बॉन्ड वाला, राइट, 3 कार्बन है इसमें, और कौन सा देखे थे, प्रोपाइन वाई एन ई, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और आइसोब्यूटिलीन दिया वाला है, आइसोब्यूटिलीन इसमें 3 ये 4 कार्बन, इधर भी ले सकते ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी ले सकते, कोई मसला ही नहीं है इसमें तो, ठीक है, ए ये CH3 आइसोब्यूटिलीन, ये याद रखना क्या, ये बुक में और भी एग्जांपल दिए वाले हैं, इसके अलावा साइक्लोहेक्सेन का भी दिए वाला है, बेंजीन का अगर तुमको एक्सपांड स्ट्रक्चर देखने का, ये जो अपन ने देखे थे ना रिंग, राइट, अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाली रिंग, इसके एक्सपांड स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और अगर तुम सबको देखेंगे तो सब में एक एक वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, सबकी 3-3 वैलेंसी है, बस एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, ये होगा हेक्सेन का स्ट्रक्चर, राइट, देखो सबके 4-4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गए, कार्बन टेट्राहेड्रल सबकी क्या होगी, 4-4 वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, इसका नाम जो है आइसोब्यूटिलीन, अभी नाम आइसोब्यूटिलीन ये कॉमन नेम है, कैसा है वाला है ये भी अपनी देख लेना है, ठीक है, इसके बुक में एग्जांपल दिए वाले उसकी प्रैक्टिस करो, नामा ये जो है आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम अपन देखने वाले है, इसको प्रैक्टिस के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है, रटने का तो भूल जाओ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये हो गया। अब अपने को देखने का है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, हाइड्रोकार्बन्स में नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते ये तो अपने को मालूम है, राइट, रिंग देखे अपन ने, स्ट्रेट चेन देखे, ब्रांच चेन देखे, मगर कभी कभी क्या होता, जैसे ये है एक अपना दूसरा मीथेन का बड़ा है, इथेन, राइट, C2H6, दो कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन जाके इसमें कोई दूसरा आइटम आता, जैसा ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, फॉस्फोरस आ सकता है, तो ये जो आने वाले दूसरे एटम है, ठीक है, इसको बोलते हैं हेटरो एटम, क्या बोलेंगे, हेटरो एटम, और कभी कभी ये सिंगल नहीं आके ग्रुप के फॉर्म में भी आते, जैसा मान लो NO एक साथ आएगा, फिर NH एक साथ आएगा, तो ये हेटरो एटम कभी कभी क्या नहीं आते, ग्रुप के फॉर्म में, और ये जो बनाते इसकी वजह से होता क्या, तो कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा, इस तरीके से जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, इसका एच रिप्लेस होकर मान लो क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया हेटरोटम बोल के, ठीक है, ये OH आ गया, तो इसमें ये आ जाने से हेटरोटम आने की वजह से इसके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, इसका नाम जो है इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल नाम कैसा आया देखेंगे अपन नॉमेनक्लेचर में, मैं ये याद रहने दो,
अब ये कौन से आ सकते हैं, इनको फंक्शनल ग्रुप क्यों बोले, तो याद रखो इनके वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज इसके क्या हो जा रहे हैं, टोटली चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो देखेंगे अपन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये भी फंक्शनल ग्रुप है, क्यों है, तो अपन ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के टाइम पे देखे थे कि ये जो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है इनकी वजह से जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है यानी कि रिएक्ट होने की जो उनकी ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगी। ये जो ट्रिपल बॉन्ड मोस्ट रिएक्टिव मतलब ज्यादा रिएक्टिव होते हैं डबल बॉन्ड के कंपेरिजन में, और डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है सिंगल बॉन्ड के कंपेरिजन में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई, इसका मतलब ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और अगर इससे आसान भाषा में याद रखने का, तो याद रखो केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा टेक पार्ट कर रहा कंपाउंड का वो क्या है, तो वो है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप ये सब हैलोजन है, हैलोजन कितने नंबर पे अपने को मालूम, 17वें ग्रुप में जो है ना, 17वें ग्रुप में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, तो ये सब क्या हो गए, हैलोजन। अब इसको शॉर्ट में नेम बना देते हैं, हैलो होते, ठीक है। क्लोरीन रहा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो, आयोडीन रहा तो आयोडो, कौन कौन से है Cl, और ये जो डॉट बताते हैं अपन, ठीक है, ये Cl के पास ये जो बताता हूँ ना मैं सिंगल लकीर, राइट, तो इसको बोलते हैं फ्री वैलेंस, मतलब जो भी कार्बन चेन अटैच होंगी ये फ्री वैलेंस से अटैच होंगे, अपने को मालूम इसकी फ्री वैलेंस एक वैलेंस चेक है उसकी फ्री वैलेंस एक ही रहने वाली है, ये हो गया। फिर ये ब्रोमीन और ये फ्री वैलेंस के साथ आयोडीन, ठीक है। साउंड के लिए सॉरी बच्चों, साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करेंगे हम बहुत जल्दी। ये होगा अगर ऑक्सीजन हेट्रो एटम है तो इसके नंबर ऑफ कंपाउंड्स कम होते हैं। अभी जो एग्जांपल देखे अपन ने अल्कोहल का, वो ले लो अल्कोहल बॉन्ड ओ एच, इसका स्ट्रक्चर देखे तो स्ट्रक्चर ऐसा है इसका ओ बॉन्ड एच, ठीक है। अल्डिहाइड क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ सॉरी एच बॉन्ड एच, क्या बन रहा है, इसको अगर कंडेंस स्ट्रक्चर में लिखे अपन ने कॉम्प्रेस कर लिए तो ये क्या बन रहा है सी एच ओ, कार्बन को फ्री वैलेंस है, ठीक है। ये होगा अल्डिहाइड। अब इसके अलावा और भी है, अल्डिहाइड होगा कीटोन सी डबल फ्री वैलेंस है, इसको जो फ्री वैलेंस है वो कैसी है, डबल फ्री वैलेंस है, ठीक है। ये होगा कीटोन। अब कीटोन के बाद दूसरा है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड जैसे ये कीटोन ग्रुप है ना इसके साथ और OH अटैच कर दो, राइट, ये OH। अब इनका कंडेंस स्ट्रक्चर कैसा है, इसका कंडेंस स्ट्रक्चर ये ऐसा है, राइट। और ये जो कार्बन है, राइट, एल्डिहाइड का हो जाओ कीटोन का हो जाओ या कार्बो ऑक्सिलिक, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन एटम, राइट, फंक्शनल ग्रुप का ही इससे कार्बोनिल कार्बन एटम। इसका कंडेंस स्ट्रक्चर कैसा आएगा, बॉन्ड फ्री वैलेंसी COOH, एल्डिहाइड हुआ कीटोन हुआ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड हुआ, और कौन सा है, एक अमाइन से, अमाइन से पहले और ऑक्सीजन कुछ बनते क्या, तो इसके अलावा ईथर है, ईथर, और ईथर और ईस्टर में कंफ्यूजन नहीं होगा, ईथर जो है ये ओ बॉन्ड ओ है, ठीक है, कंडेंस स्ट्रक्चर इसका ऐसे ही है, ओ के साथ डबल फ्री एनर्जी, और ईस्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ईस्टर में क्या है, तो ओ डबल फ्री वैलेंसी कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ, यस राइट, सी ओ ओ, यस, ये क्या हो गया, ये हो गया ईस्टर। ईथर और ईस्टर में बहुत बच्चे कन्फ्यूज आते हैं, याद रखो ईथर यानी सिर्फ ओ है और ईस्टर क्या है, तो पूरा ग्रुप कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के जैसी है, पूरा किसी से कार्बो ऑक्सिलिक, सिर्फ यहाँ का भी एच उड़ा दिया अपन ने, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का भी एच उड़ा के क्या करें, उसको भी फ्री वैलेंसी अटैच कर दिए। अब इसके एग्जांपल कैसे है, नॉमन क्लेचर तो अपने उनका डिटेल में देखने का चाहिए, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन इसके एग्जाम्पल अगर देखने का, तो ये जो फ्री वैलेंसी है उसको मिथाइल ग्रुप अटैच करो, मिथाइल ग्रुप क्या है तुमको बोला था सी एच फोर, मिथेन में से क्या करने का एक एच क्या करने का माइनस कर देगा, तो बचता सी एच थ्री बॉन्ड, ये है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल अटैच करते जाओ, इसको मिथाइल अटैच करें क्या बनेगा है सी एच थ्री ओ एच, इसका नाम है मिथेनॉल, इसको अटैच करें सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एच मिथेनल ए एच, कीटोन को अटैच नहीं कर सकते, कीटोन दोनों ही साइड से मिथाइल ग्रुप अटैच करना पड़ता, दोनों भी साइड से क्या अटैच करना पड़ेगा मिथाइल ग्रुप, साथ साथ नोट करते जाओ, राइट, डाइमिथिल कीटोन नामक ऐसे आरएनए देखिए हम,
यस सर। अब इसकी फ्री वैलेंसी मिथाइल ग्रुप अटैच करो। ये सर जो फ्री वैलेंसी यहाँ पे क्या करेंगे अपन, मिथाइल ग्रुप को कार्बन अटैच करेंगे, मिथाइल कार्बन को, कार्बन जो फ्री वैलेंसी उसको क्या अटैच करेंगे, मिथाइल ग्रुप। इसके भी दोनों तरफ से मिथाइल ग्रुप अटैच करके अपन इसका कंपाउंड बना सकते हैं, एग्जाम्पल इसको भी, राइट। अब इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर रहने वाले हैं। जैसे ये अल्कोहल हो गए, अल्कोहल में ये CH3, ये जो कार्बन चेन जो बोलते हैं अपन, ये कार्बन चेन कितनी बड़ी रहने दो, इससे अपने कुछ मतलब है क्या? नहीं। कार्बन चेन छोटी रहने दो, बड़ी रहने दो, उससे अपने मतलब नहीं है। वो कितनी बड़ी है, फंक्शनल ग्रुप OH जो है सेम है ना, तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रहने वाले, सिमिलर रहने वाले। लेकिन इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं। कैसा होते वो अपन देखेंगे। ये नोट कर लीजिए तुम लोगों ने, नोट कर लो, फिर अपन देखेंगे होमोलोगस सीरीज क्या है। अब ये तो देखिए अपन ने कि हेलोजन हेटरो एटम रहा या फिर ऑक्सीजन हेटरो एटम रहा तो कौन सी बन रही। एक और था नाइट्रोजन अगर हेटरो एटम रहा तो कौन सी बन रही, तो बनते अमाइंस, ठीक है। बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एच, बॉन्ड एच वैसे कंडेंस स्ट्रक्चर में NH2, ये है अमाइंस, अमाइंस। इसके अलावा भी एक है ये नाइट्रो ग्रुप वाले, और ये याद नहीं रखें, सिर्फ अमाइंस याद रखो। नॉमेनक्लेचर में अपन इसका देखने वाले हैं नेमिंग कैसी होती, ठीक है। नाइट्रो ये याद नहीं रखे तो जम था। अब अपने को देखने वाले होमोलोगस सीरीज क्या है। होमोलोगस सीरीज अब ये अल्केन जो याद करें ना अपन ने, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, उनकी एग्जांपल लेंगे। ये होगा मीथेन, ठीक है। मैं इसके कंडेंस स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। CH3, CH2, CH2, बोलो रे नाम इसके चले, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यह नाम मैंने दे रहा, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ये वाला है ब्यूटेन, ठीक है। अब इनका एक एक अगर एच रिप्लेस करें अपन तो दूसरी एक सीरीज बनती अल्कोहल की, इसकी ये CH3, एक एच जाके क्या लगा रहे अपन OH। अभी जो देखे ना अपन ने OH एज अ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, वो वाला, इसकी अगर गया एक एच, अभी कंडेंस स्ट्रक्चर सर कैसा है, रिस्पॉन्ड करे इसको तो ये ऐसा वाला है, राइट। इसमें क्या हो रहा है, ये एक एच जाके क्या आ रहा है यहाँ पे OH आ रहा है, CH2OH, राइट। CH3, CH2, CH2, OH, इसका नेक्स्ट क्या होगा, CH3, CH2, 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 OH, राइट। ये है मीथेनॉल, 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 OL लास्ट में, क्या है OL, मीथेन ई हटा के OL, मीथेनॉल। ये है इथेनॉल, ये है प्रोपेनॉल। सर ये नाम वाले लिख रही है कि सपना आने वाला है क्या, नहीं, इसको बताऊंगा मैं कि नॉर्मल के लिए चल अपने कैसा करने का। अभी इसलिए इसके नाम आए ये जहन में रहे, ब्यूटेनॉल। तब इनमें क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा है, सेम, राइट। ये चारों कंपाउंड और कार्बन चेन की जो लेंथ है, कार्बन चेन की जो लेंथ है ये कैसी है, डिफरेंट है। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कैसा है सब में सेम है, लेकिन इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। इसको जो बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं किससे, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होने से। किसकी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ, कार्बन चेन की जो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है उसकी, और कार्बन चेन की डिफरेंट डिफरेंट लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कैसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल कंपाउंड बने, ठीक है, मीथेनॉल, इथेनॉल, ये दूसरे कैसे है, होमोलोगस है, ठीक है। अब ये याद रखना दो, इनके अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की अपन बात करें तो तुमको अल्कोहल का, इथेन का और ये जो है अल्कीन का, ये नहीं, ठीक है, इनके तुमको सीरीज दिए वाले। इसकी भी सीरीज आसान है, इसमें डबल बॉन्ड अगर ऐड करते गए अपन तो इसकी सीरीज बन गई। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स दिया है, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर तुम देखेंगे तो वो इंक्रीज होते जाते हैं, ना बात समझ में, बॉइलिंग पॉइंट की। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से अटैच रहने वाले, राइट, शॉर्ट में समझने के लिए बना रहा हूं। और ये वाले अगर मॉलिक्यूल है बड़े तो ये जो है कॉम्पैक्ट पैक होने वाले, और इनके अंदर जो इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा रहने वाला है, इसके वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। और ये सीरीज में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तुम बुक में टेबल है वो टेबल रेफर करो, बुक में इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट
दिया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है, वो इंक्रीज ही मॉडल में, ठीक है। अब इस पे से अपने को क्या खास दिख रहा है, अपन क्या करेंगे, ये मेड देंगे सिर्फ अल्केन रखेंगे, ठीक है। ये भी अपन इसकी अल्केन के लिए ई एन ई वाली, ठीक है, ये नोट कर लिया तुम लोगों ने, नोट करने की ये बात जरूरत नहीं है, बुक में है। इसका सेकंड जो फर्स्ट मेंबर है वो दो कार्बन वाला है, ठीक है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच थ्री, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच थ्री, बस कह दे, ठीक है। ये जो है, ये है इथीन ई एन ई, ठीक है, ये जो है प्रोपीन, ठीक है, और ये जो है ब्यूटीन, ठीक है, ई एन ई है, ठीक है, ई एन ई है, सब सत्यानाश हो जाएंगे अगर ए कर दिए तो। अब इसमें तुमको क्या दिख रहा है, इसका अगर हमने कंडेंस मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा सी टू एच फोर सी थ्री एच, कितनी है, तीन तीन छः, सी फोर एच कितनी है, दो नौ चार, चार चार आठ, एच एट। इसमें कुछ दिख रहा है क्या खास बात, तो कुछ दिख रही क्या, अगर दिमाग चलाए तो ये देखो, कार्बन जितते है उसका डबल हाइड्रोजन है, कार्बन जितते है उसका क्या है, डबल हाइड्रोजन, ये देखो दो का चार, तीन का छः, एक का डबल, एक का डबल, चार का आठ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा, अगर कार्बन एन नंबर से लिया अपन ने तो हाइड्रोजन कितना है, टू एन, कितना है, टू एन। अब इसके आगे अगर कार्बन पांच आ गए, ठीक है, तो मैं कार्बन पांच ही लिख देता हूं, ठीक है, ये कार्बन पांच हो गए इसमें, अगर कार्बन पांच लिए तो ये कितने हो जाए, दोनों ने पांच कितने जा रहे, दह, हाइड्रोजन की दह आएगा, दो तीन, तीन दो पाँच, और तीन दो पाँच, पाँच और पाँच दस, ठीक है, हाइड्रोजन की देने दस। तो ये जो फॉर्मूला अपन ने ये ऑब्जर्व करके बनाए, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, होमोलॉगस सीरीज का ये क्या होगा, जनरल फॉर्मूला, और हर होमोलॉगस सीरीज को अपना एक जनरल फॉर्मूला आना, ठीक है। अब इसमें अपन ने देखने वाला है अल्केन करेंगे, ठीक है, पहले एग्जाम्पल है कौन है, सी एच थ्री, हाँ, दूसरा कौन सा है, सी टू एच सिक्स सी थ्री एच एट, मैं ये जो कंडेंस फॉर्मूला लिख रहा है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सी एच फोर है, हाँ ध्यान रहे तुम लोगों का, सी एच फोर है, और इसका भी कंडेंस स्ट्रक्चर है, मैं इसको क्या कर रहा, कंडेंस कर लिख रहा, इसका रेस्पॉन्ड स्ट्रक्चर देखिए तो ये ऐसा है, ठीक है, इसको सब है, एच एच की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तीन तीन छः दो आठ आया गया। अब तुम देखो इसमें ये वालों में और ये वालों में क्या फर्क है, राइट, कार्बन दो है तो हाइड्रोजन में दो बड़े हैं, ये मैं पूरा बीच का रेस करता, ये नोट कर दिया तुमने, ये कंडेंस स्ट्रक्चर वो नोट कर लो, तुम सिर्फ अभी ये तीन को याद रखो, ये जो बीच में तीन दिख रहे ना, ये वाला, ठीक है, ये जो है ये तीन, और ये वाला जो है, राइट, इथीन, ये वाला कौन सा है, इथीन, ए एन ई वाला है, ठीक है। ये दोनों में फर्क क्या दिख रहा है, यहाँ देखो कार्बन का डबल है, यहाँ पे कैसा है, कार्बन का डबल तो है मगर साथ में कितने बड़े वाला है, दो बड़े वाला है, इसमें देखो सी थ्री डबल है, यहाँ पे कैसा है, डबल है मगर कितना बड़े वाला है, दो बड़े वाला है, कितना बड़े वाला है, दो बड़े वाला है, अरे दिख रहा नहीं, दिख रहा है कैसा है, उसमें भी डबल है और एडिशन में क्या है, दो बड़े वाला है, इथेन। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता, सी एन एच टू एन जैसा इनका था, पर इनमें एडिशन क्या है, तो दो हाइड्रोजन बढ़ती है, तो बस यहाँ प्लस टू कर दो, बन गया ये जनरल फॉर्मूला, किसका, अल्केन का, किसका बन गया ये, अल्केन का, ठीक है। अब इसमें जो है अल्काइन का देख लिया अपन ने, अल्केन, अल्केन और अल्केन का देख लिए, अल्काइन का तुमको बनाने का है, ठीक है, वाई एन ई, बहुत आसान है, इसके जगह माइनस बोल भी दिया, ठीक है, इसके जगह माइनस है, इसके जगह माइनस है, कैसा आया ये थोड़ा गौर करो, ये वाला अपने ट्राई करो बना के, ये समझ में आया क्या, ये होगा होमोलॉगस सीरीज के जनरल फॉर्मूले।
अब होमोलॉगस सीरीज के इन सब बातों पे से कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपने सामने आ गई। होमोलॉगस सीरीज में हो रहा क्या, एक कैरेक्टरिस्टिक अपने को समझ में आ गई कि सर सब होमोलॉगस सीरीज को क्या है, जनरल फार्मूला है। क्या है? जनरल फार्मूला। अब मैं इतना हल्के हल्के जो तो शुरू के एग्जांपल लिखता ताकि तुमको और आसानी से क्या होना, समझ में आना। ठीक है, एक तो सबको जनरल फार्मूला है, अल्कोहल का भी निकाल सकते अपन, अल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सबके जनरल फार्मूला निकल गए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करने का तो करो, उसकी हाईएस्ट स्टैंडर्ड में काम आएगा, और बोर्ड में नहीं पूछता। ठीक है, बोर्ड में पूछ लिया तो पैसे वापस, पैसे तो रेजिस्ट के पास। ठीक है, मजा आता। इसमें क्या हो रहा, देखो ये होमोलॉगस सीरीज में एक तो जनरल फार्मूला आ रहा, एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, दूसरा एक एक कार्बन एटम बढ़ रहा, एक एक पहले वाले से इसमें एक बढ़ा, अब इससे इसमें एक बढ़ा, एक एक कार्बन एटम क्या होते जा रहा, बढ़ते जा रहा, एक कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा। ठीक है, अब एक कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा, अगर तुम ज्यादा वर्क करे तो देखो CH3 CH3 इनके बीच में CH3 CH3 के बीच में क्या इंट्रोड्यूस होगा, बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ये ग्रुप को नाम है मिथाइलिन, मिथाइलिन YLENE है ये मिथाइलिन, और ये वाला जो है ना, ये वाला ये है मिथिल, अरे बड़ा कंफ्यूज नहीं होने का, ये मिथाइलिन है, इसमें आखिर में ये नहीं, तो एक यूनिट बढ़ते जा रहा है इसका, एक यूनिट क्या होते जा रहा, बढ़ते जा रहा, एक यूनिट के साथ ये CH3 है, ये CH3 है, इसमें ये CH2 हुआ, अब इसमें देखो ये इधर आ रहा स्ट्रक्चर, ये इधर आ रहा, ये CH2 बढ़ा, अब इसमें ये इधर आ रहा स्ट्रक्चर, ये इधर आ रहा, ये CH2 बढ़ा। अब ये CH2 बढ़ने से हो रहा क्या, इनका जो मॉलिकुलर मास है वो बढ़ रहा, मॉलिकुलर मास कितने से बढ़ रहा तो अपन समझेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास कितना है, दो हाइड्रोजन है, दो मॉलिकुलर मास, कार्बन का मॉलिकुलर मास कितना है, छह का डबल बारह और दो चौदह मॉलिकुलर मास बढ़ रहा। होमोलॉगस सीरीज में जो मेंबर से उनके एक मेंबर से अगले मेंबर के बीच में मॉलिकुलर मास कितने से बढ़ रहा, 14 से बढ़ रहा। याद रखना क्या, एक कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा, एक CH2 यूनिट इंक्रीज हो रही, और साथ में क्या हो रहा, मॉलिकुलर मास से ना इनका इंक्रीज हो रहा। अब इनका ये जो है क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज समवॉट सिमिलर रहने वाली, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़े से क्या आ जाते, चेंजेस आ जाते। ये याद रखना क्या, कैरेक्टरिस्टिक काम ये है, पूछता भी कभी कभी। ठीक है, अब यहां तक हो गया अपना होमोलॉगस सीरीज क्या है, होमोलॉगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप, और साथ ही साथ क्या पे ये भी देख लिए। अब अपने कल जो देखने का है वो है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कल का जो लेक्चर है ये दोनों से भी इम्पोर्टेंट तो पूरा चैप्टर ही है, लेकिन नॉमेनक्लेचर जो है अभी यहाँ से जो लगेगा 11-12 तक बेटा एक पीछे छोड़ने वाला है क्या, नहीं तो कल का लेक्चर टाइम से मैं अपलोड कर दूंगा, कल मेरे को 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि अपने को बेस्ट बनाने हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी देखेंगे अपन उसमें। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, और इसमें कुछ डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम्हारे डाउट सॉल्व करने के लिए हम बैठे वाले हैं। ठीक है, और दूसरी बात कुछ सजेशन रहा, जैसे सर वीडियो में वॉइस का मसला है या फिर लाइट का मसला है तो वो बोलो, तुम जैसे जैसे सजेशन देंगे वैसे वैसे हम क्या कर देंगे, चेंजेस कर देंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।